चूं। मैं ओम का जाप करूं शंकर, शैतानों से ना डरूं शंकर। तूने सब कुछ दिया है बिन मांगे, कैसे तेरा शुक्र करूं शंकर। हर वक्त करूं मैं शिव 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 हर वक्त। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग संध्या न्यू लाइफ स्टाइल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, आप सभी को दूसरे सोमवार की शुभकामनाएं। और आज पीयू का ना बहुत मन हो रहा है सुबह से मंदिर जाने का, तो मैंने कहा चलो अच्छा चलते हैं, पर थोड़ा देर हो गई है तो चलिए चलते हैं वरना मंदिर ना बंद हो जाए कहीं। और हम जैसे ही ना घर से निकले ना, तो एक ऑटो वाला ही हमें मिल गया और तुरंत वो मंदिर जाने के लिए तैयार था बिल्कुल। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं और पीहू के चेहरे की स्माइल तो आप देख ही रहे हैं, कितनी खुश है वो। प्रेमनगर स्थित प्राचीन त्रिवटीनाथ मंदिर में पूरी विधि विधान एवं आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की 60 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर में ना भोलेनाथ की प्रतिमा देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है और ये प्रतिमा लोगों के बीच आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये मंदिर ना बहुत बड़ा है और इसमें कभी मैं दिन में आऊँगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, हमेशा रात में ही आना हो पाता है। तो ये देखिए त्यौहार की वजह से एक ही तरफ का रास्ता खोल रखा था उन्होंने। एक चारवाहा ना दोपहर के वक्त वहाँ अपने जानवर चराते हुए पहुँचा। उसी जंगल में वह थककर सो गया। सोते वक्त उसे भगवान शंकर ने सपना दिया, कहा कि यहाँ तीन वट वृक्ष के बीच में उनका शिवलिंग है। चरवाहा उठा तो उसने वहाँ पर खुदाई कराई जहाँ उसे एक शिवलिंग मिला। इसके बाद आसपास के लोगों को जब सूचना मिली तो लोग वहाँ जाकर जलाभिषेक करने लगे। उस दिन के पास से वह जगह एक आस्था से जुड़ गई। तीन वट वृक्षों के बीच शिवलिंग निकलने से उसका नाम टी रख दिया गया। इसके अलावा वहाँ पर बड़ा टीला भी था, उस स्थान को पांचाल प्रदेश कहा जाता था, तो टीले की वजह से उसका टिबरी नाम रख दिया गया। खास बात तो ये है कि बरेली की को पहले ही नाथनगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि शहर की हर दिशा में शिव जी का मंदिर है। और ना त्यौहार की वजह से इन्होंने एक तरफ का रास्ता खोल रखा था, बाकी सारे रास्ते इन्होंने बंद कर रखे थे, आप देख ही सकते हैं।
यहाँ पे ना पीहू की मस्ती स्टार्ट हो चुकी है और साथ में भोले बाबा का गाना सुनते ही डांस चालू हो चुका है। और ये देखिए, मैं ऐसे कह रही हूँ घर चलो, तो नहीं घर नहीं जाना है। तृतीयनाथ मंदिर गए थे ना, ये उसका प्रसाद है नारियल, और ये नारियल वाली बर्फी है, और आते ही ना सब में प्रसाद बढ़ गया, तो ये आपके लिए। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और ना दर्शन भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं और भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा। और आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कीजिएगा। ओके बाय।